मोती झील में अब सैर के साथ अपनी इलेक्ट्रिक कार को भी चार्ज कर सकेंगे। कानपुर में पब्लिक के लिए पहला चार्जिंग स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि मोती झील मेन रोड पर बनाए जा रहे इस स्टेशन में कार 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। एक बार में 6 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। वहीं स्कूटी और ई रिक्शा भी चार्ज कर सकेंगे। आपको बता दें कि नगर निगम ने प्राइवेट कंपनी को शहर में 2 चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम दिया है। तो वही कंपनी के टेक्निकल मैनेजर ऋषभ कुमार ने बताया कि एक स्टेशन बनाने में करीब 40 लाख रुपए का खर्च आता है। चार्जिंग स्टेशन में प्रति यूनिट 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना होगा। वही ऋषभ ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन को यूज करने से पहले कंपनी के ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ही इसके वॉलेट को चार्ज करना होगा, जिसके बाद मशीन पर लगे QR कोड से ऐप को स्कैन करना होगा। आपको बता दें कि आप जितना चार्ज करेंगे उतनी यूनिट के हिसाब से आपके ऐप के वॉलेट से रुपए कट जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन में 3 तरह के चार्जर लगाए गए हैं, जहां एक चार्जर 60 वॉट का है, इसमें एक बार में 2 कार चार्ज हो जाएंगी। तो वही दूसरा चार्जर 22 किलोवाट का है, जिसमें एक बार में एक ही कार 50 मिनट में चार्ज हो पाएगी। वहीं चार्जिंग स्टेशन में स्कूटी और ई रिक्शा भी चार्ज करने का ऑप्शन दिया गया है। इनके लिए 10 किलो वाट का चार्जर लगाया गया है, जिनमें से एक बार में 3 स्कूटी या ई रिक्शा चार्ज हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।